आपके पास एक यहां पर प्ले कार्ड है, देखिए ये रखा है आपके पास, यस और नो। मुझे ये बताइए कि पिछले 10 साल में आपके ऐसे कौन से बयान थे जिन पर आप अभी भी टिके हुए हैं। मैं आपको आपके ही कुछ बयान बताता हूं, आप इस यस या नो के साथ बताइएगा कि आप इस बयान के साथ हैं या नहीं। मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, यस या नो? कि मैं मान्यवर कांसीराम जी का चेला हूं, कांसीराम जी के साथ काम किया हूं। कांसीराम जी का कहना था कि सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग बन चुका है तो दलित का भी बेटा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप देखिए इसमें यस या नो बताना है, आप बताइए सहमत है या नहीं है। देखिए 2024 तक तो नहीं है। यस या नो, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या नहीं? यस या नो? 2024 तक तो बनना नहीं है, क्लियर कट बता रहा हूँ। नहीं तो फिर आप इसको नो बोल रहे हैं अभी, अब जो समझ लीजिए। अच्छा ठीक है, अब विकल्प नहीं बोल रहे, पहली बार सीधे नहीं बोल रहे अभी तक तो बहुत स्पष्ट, अभी तक हाँ अभी पहली बार सीधे नहीं बोल रहे। लेकिन अगला बयान आपका, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी पॉपुलर हुए हैं, अब सत्ता में आ सकते हैं, यस या नो? ये आपका बयान है? नहीं, बयान मेरा सत्ता में आ सकते हैं वो संगठन पे काम करें धरातल पे तब। यस या नो? नो। तो नो दिखा दीजिए एक बार जरा, नो दिखा दीजिए वहां पे, इसको ऐसे पलट के नो दिखा दीजिए, ये नहीं इस तरफ ऐसे करके नो, इस तरह हाँ, ये सामने कैमरा पे नो गया, ठीक है। अब अगला सवाल, बीजेपी जितना 2 महीने में खर्च करती है, मैं फिर से इसको बता रहा हूं, आपको समझ में आ गया सवाल, बीजेपी जितना 2 महीने में खर्च करती है उतने की तो हमारे बिरादर 1 महीने में दारू पी जाते हैं। जितनी यस या नो? जितनी यस सरकारी दुकानें खुली हैं गरीबों के बस्ती में, एक भी दुकान अमीर के बस्ती में नहीं है। यस या नो राजभर जी? यस या नो? इसको दिखाइए। यस तो दिखा दीजिए सामने, यस ओके ठीक है ठीक है। अब अगला सवाल आपसे, अगला आपका बयान, बीजेपी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, इसका सेंटर नागपुर में है, यस या नो? ये चुनावी जुमला है। अच्छा तो नो मान के चलूं मैं इसको? तो मैं नो मान के चलूं? नो मान के चलूं तो सामने, तो ठीक है, तो आप अपने बयान से पलट चुके हैं, मतलब ये चुनावी जुमला था? हाँ बिल्कुल पलट गए हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, अब हम झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा जी, वो दिख रहा है मुझे। एक जगह बस आपने, बस एक जगह आपने अभी तक थोड़ा सा डक किया है बॉल को, वो मुझे दिख गया है। बीजेपी में जितनी पिछड़ी जाति के नेता हैं, ये हर्षवर्धन जी ने पूछा था वैसे आपसे, वो बीजेपी के बड़े नेताओं के जूते साफ करते हैं, आप सहमत हैं असहमत हैं? देखिए जब विपक्ष में नेता होता है तो एक दूसरे की शिकायत करता है। नहीं लेकिन अब आप मुझे बताइए हाँ या ना, हाँ या ना? देखिए आप जिस घर में हैं तो उस घर में कैसे हम नो करेंगे? तो हाँ बोल रहे हैं, नहीं आप नो कह रहे हैं ना, मतलब करती है नहीं करते? मेरा सवाल ये था कि बड़े नेताओं के जूते साफ करते हैं पिछड़ी जाति के नेता, बीजेपी के जितने भी पिछड़ी जाति के नेता, इसमें यस या नो? नहीं नो। नो ठीक, नो आप कह रहे हैं इसको, ओके। आप मतलब अपने अपने सारे बयान से पलट चुके हैं, बस एक मायावती जी वाला बयान आपने डक कर दिया है। खैर अब